बलदियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें दो रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस खाजी फायज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान चलाने की बुनियादी मरदमशुमारी है। क्या मरदमशुमारी के नतीजे जारी करना हुकूमत की तरजीह नहीं है? तीन सूबों में हुकूमत के बावजूद काउंसिल में एक फैसला नहीं हो रहा। अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी इदारे की तौहीन है। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की? सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई। दो रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान चलाने की बुनियादी मरदमशुमारी है। क्या मरदमशुमारी के नतीजे जारी करना हुकूमत की तरजीह नहीं? तीन सूबों में हुकूमत के बावजूद काउंसिल में एक फैसला नहीं हो रहा। अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी इदारे की तौहीन है। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की? और सुप्रीम कोर्ट का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास दो माह से ना बुलाए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कोई जंग तो नहीं हो रही थी जो इजलास नहीं हो सका, अब तो वीडियो लिंक के भी इजलास हो सकता है। विफाकी हुकूमत की तीन सूबों में हुकूमत है, सिंध के अलावा कोई सूबा विफाकी हुकूमत के फैसलों से इख्तलाफ नहीं करता। सूबों को बुलाएं और मरदमशुमारी का हाँ या ना में फैसला करें। क्या हुकूमत ऐसे चलाई जाती है जैसा मुल्क में चल रहा है? और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में इंसानों की मंडी लगी, खुद को करप्शन से पाक रखने के लिए वोट नहीं दिया, जबकि कराची के हकूक की बात करते रहेंगे। बल्दियाती इलेक्शन फौरी तौर पर करवाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने इदारा नूर हक में कराची को हक दो के हवाले से सहाफियों के साथ तबादला ख्याल किया। इस नशस्त में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कराची के मसाइल के हवाले से जमात इस्लामी मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। कराची के लोगों की हमने नुमाइंदगी की है, इसलिए हम समझते हैं कि हम कराची का सबसे ज्यादा दर्द रखते हैं और इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जमात इस्लामी में तकरीबन तमाम जगहों पर इस बात पर कंसेंसस हो गया कि जमात इस्लामी अब किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। वोट मिलता है नहीं मिलता, चार मिले, चार लाख मिले, चार हजार मिले, हम अपने पूरे मैसेज के साथ अब खड़े होंगे और वो मैसेज हम पूरे आवाम को देंगे। लोकल एडजस्टमेंट इंतखाबात के मौके पर करने में कोई ना हर्ज है ना ममानियत है, सियासी अमल का हिस्सा होती है, लेकिन इत्तेहादों में अपने आप को अपने वोटर को कंफ्यूज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची को मसाइल का गढ़ बना दिया गया है, इसके हक की बात करते रहेंगे। ये रियासत लोगों को इंसाफ नहीं फराहम कर सकती, पानी नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, तालीम नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती और अपनी रिट कायम करने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी होती है। तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये काम हमने अब तक किया है और हम इस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये सारा मसला हल हो। अल्लाह ताला हमें इस शहर के अंदर आप लोगों के ताउन के साथ कोई ताकत देगा बल्दियाती या इस शहर की नुमाइंदगी की, तो इंशाल्लाह हम इससे सैकड़ों दर्जे ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि लोगों का ये मसला हल करें। इस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जाती कोई मफाद इससे वाबस्ता नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में दुरुस्त मरदमशुमारी जल्द की जाए, बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराना होंगे। सेनेट इंतखाब में इंसानों की मंडी लगाई गई, हमने वोट कास्ट ना करके खुद को करप्ट होने से बचाया। कराची में पानी और बिजली का मसला बढ़ती हुई गर्मियों में फौरी हल करना होगा। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज कराची। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लई कैमत ने कहा है कि शहर की बेहतरी और तरक्की के कामों में ताजरों और सनतकारों के मफादात का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत कराची मुल्क के खजाने को 70% रेवेन्यू फराहम करता है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे की KCCI के मौके पर गवर्निंग बॉडी और अरकिन से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि शहर के बरसाती नालों पर कायम तजावजात खत्म की जा रही हैं। हर मुमकिन कोशिश है कि कम से कम रिहायशी मकानात इस कार्रवाई की जद में आए। बल्दिया उस्मा कराची का महकमा कानून नालों के अतराफ नेज और लीज मकानात के केसेज अदालत को भेज रहा है ताकि मेरिट पर इनका फैसला किया जा सके। उनका कहना था कि म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स KMC की आमदनी का बड़ा जरिया है, ताहम अफसोस
افسوسناک امر یہ ہے کہ 14 لاکھ رجسٹرڈ صارفین میں سے صرف 35,000 نے اب تک یہ بل ادا کیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ریونیو ریکوری کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے۔ میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس کراچی کے شہریوں کو بر وقت اور بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے عائد کیا گیا تھا، جس کے ذریعے فائر بریگیڈ، میونسپل سروسز، ہسپتال، پارکس، نالوں کی صفائی اور دیگر اہم بلدیاتی امور انجام دیے جاتے ہیں۔ رہائشی اور صنعتی صارفین کی ایم سی کے ساتھ تعاون کریں تو صورتحال میں خاصی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ حال ہی میں کے ایم سی کو ملنے والی نئی فائر بریگیڈ گاڑیوں سے رہائشی اور صنعتی علاقوں میں آگ لگنے کی صورتحال میں فوری طور پر کارروائی ممکن ہوگی۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز کی تقرری کے حوالے سے حکومت سندھ کو خط لکھا ہے، کیونکہ اس وقت فائر بریگیڈ ڈرائیورز کی اوسط عمر 50 سال سے زائد ہے، جبکہ ان جدید گاڑیوں کو چلانے کے لیے نوجوان اور توانا ڈرائیورز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا شہر کی اس اہم ضرورت کے پیش نظر امید ہے کہ عنقریب اس معاملے میں بھی اہم پیش رفت ہوگی۔ اس موقع پر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ایم شارق وہرہ، سینئر نائب صدر ثاقب گڈلک، نائب صدر شمس الاسلام خان، چیئرمین زبیر موتی والا، سابق صدر شمیم فربو اور تنویر باری اے کیو خلیل اور انجم نثار اسمال انڈسٹری کے مجید میمن اور دیگر ممبران کے علاوہ سینئر ڈائریکٹر کوارڈینیشن کے ایم سی خالد خان بھی موجود تھے۔ مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر آپ اس کو مکمل طور پہ ریزالو کرنے پہ لگ جائیں تو پھر آپ پبلک کی طرف دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہونا ہے جو کہ آپ کو گھیر لیتا ہے اور پھر کچھ پبلک کے لیے نہیں ہوتا، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر یا میئر اس کو فیس کرتا ہے۔ تو ولیوم کو اگر دیکھیں، لیکن یہ اسٹارٹ ہے، اگر 2.5-3 ماہ کے اندر اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے تو آگے کی امید رکھے کہ یہ روڈ نیٹورک کے اوپر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 26 ہمارا کام شروع ہوگا اس کے اوپر۔ پرائرٹائز کرنے کی بات ہے، ظاہر ہے کہ سارے کام اکٹھے اگر شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یہ ایک سمندر ہے، کبھی نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ تو کوشش یہ ہے کہ کنسنٹریٹ کر کے جس سیکٹر کو چنے اس سیکٹر کے اوپر بالکل کنکریٹ ٹرم کے اوپر کام کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 سیکٹر میں نے چنے تھے جس کے اوپر 2.5-3 ماہ کی یہ پروگریس ہے۔ ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اور پاسٹ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا کہ یہاں پر جو ہے ریسورسز کا معاملہ نہیں ہے بلکہ مینجمنٹ کے معاملہ۔ اور کراچی کے برساتی نالوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن گجر نالے پر گرینڈ آپریشن کے آخری مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ این ڈی ایم اے کی ہدایت پر گجر نالے پر 3 مقامات پر آپریشن جاری ہے۔ ڈی ایم سی سینٹرل سے لیاری ندی تک کارروائی کی جا رہی ہے، متعلقہ سب ڈویژن کے اسسٹنٹ کمشنر فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری موجود رہی۔ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کہتے ہیں کہ شہر کے برساتی نالوں پر قائم تجاوزات کے ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم رہائشی مکانات اس کارروائی کی زد میں آئے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ قانون نالوں کے اطراف لیز مکانات کے کیسز عدالت کو بھیج رہا ہے تاکہ میرٹ پر ان کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اور ضلع وسطی کے بیشتر برساتی نالے بلدیاتی اداروں کے منتظر نظر آ رہے ہیں۔ نیو کراچی اللہ والی سے گودرا کیمپ تک برساتی نالوں کی ابتر صورتحال ہے، جبکہ برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے سے نالے ابل پڑے۔ سیوریج کا گندا پانی نالوں میں جانے کے بجائے سڑکوں پر جمع ہونے لگا۔ ضلع وسطی کے مکین انتظامیہ کی راہ تکنے پر مجبور ہو گئے۔ ضلع وسطی کے بیشتر برساتی نالوں میں صفائی کا فقدان، نیو کراچی اللہ والی سے گودرا کیمپ تک برساتی نالے ابل پڑے، جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی نالوں میں جانے کے بجائے سڑکوں پر جمع ہونے لگا۔ ضلع وسطی کے شہری بلدیاتی اداروں کی راہ تکنے لگے، کہتے ہیں ابھی برسات شروع بھی نہیں ہوئی، نالے ابھی سے ابل رہے ہیں، سیوریج کا پانی اور غلاظت باہر نکل رہی ہے۔ سیوریج کا نظام یہاں پہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، آگے بارشیں کب ہوں گی کچھ پتا ہے نہیں، اور دیکھیں بارش ہوں گی دوبارہ پھر روڈ بڑھ جائیں گے، لوگوں کے لیے اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے بچے اتنے مر جاتے ہیں، پھر الیکٹرک کے پول گر جاتے ہیں، اتنی تباہی ہو رہی ہے۔ یہاں کا سیوریج کا نظام بالکل بھی صحیح نہیں ہے، حکومت کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے۔ نالوں میں کچرا تو مطلب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی کروائیں، پھر عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے کچرا نہ کریں۔ آج کل تو لوگ کھاتے ہیں اور نالے میں پھینک دیتے ہیں اٹھا کے، تو یہ عوام کو چاہیے کہ اس چیز پہ توجہ دیں خاص، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ کام کریں۔ یہ نالے بھرے میں کافی دقت ہوتی ہے، ویسی بارش ہونے والی ہیں، آپ کو پتہ ہے نالے فل ہو جاتے ہیں، آنے آنے والوں کو، ٹرانسپورٹ کو اور یہاں کی عوام میں آنے آنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنے آؤں گا نالوں کی صفائی ہو، نالوں کی صفائی ہوتی نہیں، اگر ہوتی بھی ہے تو کچرا نکال لیتے ہیں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے علاوہ پھر وہ ایک مہینہ کی کہانی چلی جاتی ہے، اس کے بعد ایک مہینہ لگتا ہے پورا پھر کچرا اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا
सबसे कि यहाँ पे सफाई करी जाए, काफ़ी लोग यहाँ गिरते हैं, परेशानी होती हैं जी। यहाँ पे इलाके पानी भरा हुआ है, पीछे आप पूरे चले हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसके अलावा भी काफ़ी आप चलिए इसकी वजह से दिक्कत भी होती है, एक्सीडेंट होते, पूरा रोड पर पानी निकल जाता है, कितनी अमाउंट को परेशानी, किसी को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि सेवरेज के पानी की वजह से इलाके में भी गंदगी और ताफुन फैल रहा है, यहाँ से आए रोज गुजरने वाले इस गंदे पानी में गिर जाते हैं। ये पानी जब चालू होता है ना लेन का, ये फिर ये गटर में लिख लीजिए सारे, जो इंतजामिया नहीं कर रही है सही, आगे भी खड्डा होगा वो भी लीकेज बह रहा है, तीन चार जगह लिख लीजिए जो नाले में जाते हैं, नाले के से और गटरों में से बाहर आता है पानी। और ये देखो बच्चे स्कूल के इतनी परेशानी है, यह प्राइवेट स्कूल भी है दो तीन, बहुत परेशानी है इस तरफ। ये तो लाजमी बात है, नाले साफ ही नहीं होते, वो आते हैं खाली, वो डंपर आता है वो निकाल के कचरा चले जाता है, पुलिया आगे से बंद है दुआ चौक से, इतनी बुरी तरह अगर वो खुलवा दे तो ये मसला हल हो जाए। शहरियों ने बलदियाती इदारों से मुतालबा किया कि बरसाती नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाके में गंदगी और ताफुन ना फैले। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमदुद्दीन, मेट्रो वन न्यूज कराची। और शहर भर के नालों को मॉडल नाले बनाने का मिशन जारी है। इस सिलसिले में औरंगी नाले पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि मुतासरीन शदीद गम और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं लीज मकानात का मुनहदिम किया जा रहा है जिस पर कोई पूछने वाला नहीं है। हालिया बारिशों में शहर भर में नाले जेरे आब आने के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के तमाम नालों को मॉडल नाले बनाने और तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है, जिस पर रोजाना की बुनियाद पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और नाले के अतराफ बने चबूतरे, दीवारें और मकानात को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब औरंगी नाले के मुतासरीन ने इस ऑपरेशन को रोकने और मुतबादल जगह फराहम करने का मुतालबा किया। मुतासरीन का कहना था कि हमारे लीज मकानात हैं, इनको मिसमार करने से रोका जाए, ना ही तो हमें कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना ही हमें कोई इतला दी जा रही है कि हमारा घर कब तोड़ा जाएगा, और इसके रिप्लेसमेंट में हमारे लिए क्या है, इसका मुतबादिल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, ये हमें कुछ नहीं बताया गया है। और जनाब वज़ीर आज़म साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर आला सिंध साहब से हमारी पुरजोर अपील है कि हम मुतासरीन हैं और मुतवस्से तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी दाद रसाई की जाए, हम पर रहम की हम अपील करते हैं, हमारे लिए कुछ मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाए, घर के बदले हमें घर फराहम किया जाए, हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है। जो लीज़ मकानात है ये बगैर इनकी टीम आई थी, ये टीम सितंबर से काम कर रही है, हमें पहले फॉर्म दिया कि आप भर करके दें, ये चीज़ें जो ना लीज़ हैं जिनकी अनलीज है उसको भी हम कोई कंपनसेट करेंगे, अभी ये लोग आते हैं बदतमीज़ी करते हैं, रात के वक्त आते हैं, हम कहते हैं आईडी कार्ड शो करें, वो कहते हैं हमें जो ना काम करने, तो मदाखलत ना करें, मतलब मैं एक पाकिस्तानी उसको हुकूक है कि हम किसी सवाल कर सकते हैं, और हमारे घर पर आ रहे हो किस वजह से आ रहे हो भाई, हमारा मकान लीज़ है, हमें वो तो बताओ कि हम गवर्नमेंट मास्टर प्लान नहीं दिखा रही है, करना है क्या क्या, बस ये आते हैं क्रेन लेकर के, नफरी लेकर के, एक पाकिस्तानी के राइट से। यहाँ पे कोई मार्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो यहाँ पर कटिंग का काम कैसे कर सकते हैं, जब यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग की प्रॉपर टीम आएगी, वो हमसे मुजाकरात करेगी, उसके बाद हम उनको बताएंगे कि हमें मुतबादल दें, और उसके बाद आप यहाँ पे मार्किंग करें और यहाँ पर कटिंग करें, ये बिला वजह लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, लोगों को ज़हनी अज़ियत भी दिया जा रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं, और कुछ नहीं किया जा रहा है सिवाय टॉर्चर करने के, और कुछ नहीं किया जा रहा है। इतने साल से हम लोग देख रहे हैं बच्चे जवान हो गए, कभी गटर सफाई नहीं हुआ, अभी घर सफाई कर रहे, जो घर के अंदर जो लोग रहते वो कहाँ जाके मरे, गाड़ी के नीचे आके मरे क्या, हुकूमत से ये तो पूछो, ये पहले सफाई करवाते, ये डीप करके काम करवाते, नाले का काम करवाते, ये घर तोड़वाने का काम कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि अगर हमारे मकानात में मिसमार करना ही है तो हमें पहले घर के बदले घर दिया जाए, खुदारा हमें इस तरह बेघर ना किया जाए। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में A9 में कब्जा माफिया का राज, डिस्पेंसरी और पार्क की जगह पर कब्जे की कोशिश। मकीनों का कहना है कि कब्जा माफिया प्लेग्राउंड पर जारी चारदीवारी कर रहे हैं और कब्जा माफिया के खिलाफ मुतालिका इदारों को दरख्वास्त जमा करा दी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इलाके मकीनों का आला हुकाम से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9A में कब्जा माफिया का राज, डिस्पेंसरी और पार्क की जगह पर कब्जे की कोशिश। मकीनों का कहना है कि कब्जा माफिया प्लेग्राउंड पर चारदीवारी कर रहे हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ मुतालिका इदारों को दरख्वास्त जमा करा दी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाके मकीनों का आला हुकाम से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9A पेटल रेजिडेंसी का पार्क था, जिस पे आज कुछ लैंड माफिया के लोगों ने और बिल्डर ने मिलके कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस पे ये तमाम सोसाइटी के लोग जमा हुए हैं, यूनियन जमा हुई है, बच्चे जमा हुए हैं जिनके खेलने के, वो वायद पेटल रेजिडेंसी की 250 प्लाटों की एक जगह थी, कम्युनिटी जगह थी, जिसमें डिस्पेंसरी आती है, स्कूल आता है और पार्क आती है, उस पर कब्जा करके उसको प्लाटिंग करके बेचने की कोशिश की गई है। से ये पेटल रेजिडेंसी बनी है, उस वक्त से नक्शे के अंदर ये प्लॉट मौजूद है और ये हमेशा से पार्क का ही प्लॉट है। ये चंद दिनों से ये इस किस्म की चीज़ें चल रही थी जिसमें लोग आके जनाब कुछ ना कुछ तखरीबकारी कर रहे थे, लेकिन अब पिछले दिनों इन्होंने टोटली कब्जा करके नक्शा निकाल दिया, प्लॉटिंग कर दी और ये सारे मामला जो है ना इस तरीके से कर दिए। तो सारे जो सोसाइटी के लोग हैं इस वक्त यूनाइट हैं और उन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए इस कब्जे को ख़त्म करने के लिए हमने एक अपना मौका बना लिया है। सिंध हुकूमत, KMC और DMC के बुलंदबांग दावे धरे के धरे रह गए। शहर कायद में सरगजीदगी की मुहिम नाकाम, शहर को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जबकि टोलियों की शक्ल में कुत्ते आवाम के लिए खौफ की अलामत बन गए। गलियों और पार्कों में कुत्तों की भरमार, आवाम ने घरों से निकलना छोड़ दिया। कराची वाटर बोर्ड ने जिले कोरंगी के मखीनों को पानी से महरूम कर दिया है, जबकि वाटर बोर्ड का 20 मार्च से लांडी दाऊ चौरंगी हाइड्रेंट को मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। मखीनों ने फैसले पर तहफुजात का इजहार करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकली रोकने का मुतालबा कर दिया है। कराची वाटर बोर्ड ने 20 मार्च से कोरंगी में मौजूद वाटर हाइड्रेंट्स का मुंतकिल करने का फैसला कर लिया, जिससे जिले कोरंगी के रिहायशियों के लिए गर्मियों में पानी का हसूल मुश्किल हो जाएगा। मकीनों का कहना है कि पहले ही इलाके में पानी की किल्लत का मसला है, अब वाटर हाइड्रेंट मुंतकिल होने से पानी का मसला और गंभीर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये पिछले 10-12 सालों से ये हाइड्रेंट चल रहे हैं और कुछ लोगों को खुश करने की वजह से यह हाइड्रेंट बंद किया जा रहा है और तमाम इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। ये हम यहाँ होते हैं तो ये हमें नजर आ रहा है कि कितने आवाम परेशान है पानी की वजह से। पहले इन्होंने टाइमिंग दी हमारे को कुछ, हमने बोला उस पर भी ठीक है, करते करते इन्होंने बिल्कुल हाइड्रेंट रात के टाइम सिर्फ थोड़े वो चलाने के ऊपर वो कर दिया और हम रात को जब हाइड्रेंट चलाते हैं तो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि हम पानी किसको दें और किसको ना दें। बहुत परेशानी है हमारे पे, जुल्म है जी, हम फारूकी कब्रिस्तान से पानी भरने यहाँ आते हैं मंसरा कॉलोनी के वो आखिरी कोने से, रक्षों पे कैसे 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 लेके जाते हैं यहाँ से, हमारे को मालूम है बोरों का पानी है, मोहल्ले में बोरिंग हुई है, उसका पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, नहीं पीने का, नहीं कपड़े धोने का, नहीं उस तरह के। ये हमारे पे जुल्म है, ये पंप बंद नहीं होना चाहिए हमारे लिए, इस इलाके में ये रहना चाहिए ताकि हमें पानी मिलता रहे। हम इस सूरत में तो भरें, घरों तक पानी अगर नहीं जाता है तो हमें इस तरह से पानी मिले हम फिर भी बड़ी बात है। शहरियों का कहना था कि वाटर टैंकर पहले ही बड़ी मुश्किल से मिलता था, वाटर हाइड्रेंट मुंतकिल करने से टैंकर मजीद महंगा हो जाएगा, वाटर हाइड्रेंट की मुंतकली से कोरंगी के आवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। आप ये सामने देख सकते हैं कि अगर अभी पंप सुबह से बंद है, उस सूरत में पानी इलाके में आना चाहिए ना सर, पानी इस टाइम तक मौजूद नहीं है। आप ये देख लें कि अगर लांडी के आवाम यहाँ से गाड़ी कंप्लेन पे लेके जाती है, उनको 1300-1400 रुपए में गाड़ी उनको मिलती है, अब जब ये पंप बाहर चला जाएगा तो उसके बाद गाड़ी वाला उनसे 6000 वसूल करेगा। ये सही मानों में पंप वालों से जिद नहीं है, ये आवाम के साथ नजायज हो रहा है और आवाम के साथ ही किया जा रहा है। हमेशा ये शुरू से इसी मामलात में आते रहे और यही करते रहे। अब इनकी टाइमिंग है, करते 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 लास्ट में ये होगा कि जी 1 घंटे के लिए चलाएं, 1 घंटे के लिए वो ड्राइवरों को पानी देंगे या इलाके में पानी देंगे। अब पीछे मोटरें पंपिंग स्टेशन पर अगर खराब हो जाती हैं तो इन्हीं के मालकान अपनी जेब से पॉकेट मनी से पैसे खर्च करके उनको रिपेयर करवाते हैं। ये वाटर बोर्ड का दारा लावारस जो पड़ा हुआ है एक अरसे से, उसको ये देख रहे हैं। मकीनों ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पहले ही महंगाई ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है, अगर हम महंगा पानी खरीदेंगे तो खाएंगे कहाँ से। लांडी, कोरंगी, कायदाबाद और मुलहका इलाकों के मकीनों ने फैसले पर तहफुजात का इजहार करते हुए वाटर हाइड्रेंट की मुंतकली रोकने का मुतालबा किया है। और जिले वस्ती में इंतजामिया के अदम तौजीह से बल्दियाती मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, जबकि न्यू कराची सेक्टर 5M में मरकजी शाहराहों पर कचरे के ढेर लग चुके हैं और अरसे दराज से कचरे की मुंतकली ना होने की वजह से एक शाहराह बंद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। इलाके मकीन जिला वस्ती इंतजामिया से नाला कहते हैं खुदारा बंद कमरों से बाहर निकल कर सफाई सुथराई को यकीनी बनाए ताकि मकीन सुकून की जिंदगी गुजार सकें।
न्यू कराची के मकीनों की जिंदगी सेवरेज के गंदे पानी और कचरे के ढेर में गुजरने लगी। जिले बस्ती में बल्दियाती इदारों की अदम तौजी या वाटर बोर्ड इंतजामिया की गफलत। न्यू कराची सेक्टर 5M में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कहीं मेन शाहराओं पर कचरे के अंबार तो कहीं सेवरेज के गंदे पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तकरीबन 2 साल से ये बिल्कुल इसी पोजीशन के अंदर है और ये गटर का सेवरेज का पानी पूरी सेवरेज लाइन यहाँ पे डैमेज हुई हुई है। यहाँ स्कूल होते हैं, सुबह अगर आप मॉर्निंग में आए तो इतना रश होता है बच्चों का और अक्सर पेरेंट या बच्चे ये क्रॉस करते हैं फ्लैटों से आते हैं वो गिर जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरी और अफसोस की बात है। अब काइंडली इसको देखें और कई बार कंप्लेन की है इसकी कि इसको रोड बना दें लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई देखता है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल से कि प्लीज़ आप इसको देखें और इसको रोड को बनवा दें। पूरी पट्टी स्कूल की है लेकिन स्कूल की छुट्टी में आप आएँ तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं था। रोड भी ख़राब, नालों में भी कचरा भरा हुआ है। ये तो तबाह के एकदम थोड़ा पानी सूखा है वरना यहाँ तो पानी हर वक्त चलता रहता है, पैदल चलने की भी जगह नहीं होती। कचरा रोजाना की बुनियाद पर न उठने की वजह से एक शाहरा बंद होकर रह गई है। इलाका मकीन कहते हैं स्कूल के मासूम बच्चे यहां से गुजरते हैं, गंदगी में गिर पड़ते हैं। इंतजामिया सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरों में नजर आती है, अमली इकदामात कुछ नहीं होते। इसकी गंदगी साफ नहीं हो रही, हमारे जो बच्चे स्कूल के नहीं आते उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा यही मसला है। अगर ये सफाई कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी इनकी, बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स को भी होती है किस तरह से आते बार बार पानी में गिर जाते हैं, फिर जाते हैं वापस यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। शहरियों ने जिले बस्ती की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा बंद कमरों से बाहर निकलकर सफाई सुथराई को यकीनी बनाए ताकि मकीन सुकून की जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमदुद्दीन, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतने, मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।